गुड इवनिंग हिमाचल। कोरोना वायरस की दहशत के बीच कुछ हद तक सुकून से जी रहे हिमाचल को दिल्ली से मंगलवार को आई खबर ने पूरी तरह हिलाकर रख दिया। भारत की राजधानी के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज से कोरोना वायरस संदिग्धों में हिमाचल के 17 लोग भी शामिल हैं। इनमें 14 लोग चंबा, 2 सिरमौर व 1 कुल्लू जिला से संबंध रखते हैं। चंबा जिला के 14 लोग तीसा व सलूणी क्षेत्र के विभिन्न गाँव से बताए जा रहे हैं। हालांकि आरंभिक सूचना के मुताबिक निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में 14 लोग अभी भी दिल्ली में ही हैं, जहां इन लोगों की मेडिकल जांच की गई है। मेडिकल जांच में इन लोगों में कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं। उधर एसपी चंबा डॉक्टर मोनिका भतुंगुरू ने बताया कि तबलीगी जमात के मरकज में शामिल चंबा जिला के 14 लोग दिल्ली में हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों से मोबाइल पर व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया गया है। मेडिकल जांच में ये लोग स्वस्थ बताए गए हैं। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना वायरस के संभावित खतरे के मद्देनजर लगे कर्फ्यू के दौरान बिलासपुर में जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करवाने के लिए जहां सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं लगातार कार्य कर रही हैं, वहीं कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को बिलासपुर शहर के रोड़ा सेक्टर में सामने आया, जहां मां दुर्गा मंदिर के पास रह रहे कुछ प्रवासी मजदूर बार बार जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम में संपर्क कर रहे थे और बताया जा रहा था कि उनके पास खाना व राशन नहीं है, जिस पर तुरंत कंट्रोल रूम से उन लोगों को खाना उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया। जब इस कार्य में लगी वैन उन प्रवासियों के घर के बाहर खाना देने पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि इन लोगों के पास राशन उपलब्ध है। जब खाना देने में लगे स्वयंसेवियों ने उनके कमरे में जाकर देखा तो वहां भारी मात्रा में मछली फ्राई की जा रही थी, साथ ही डिब्बों में कच्चा राशन भरा हुआ था। इसे देखकर स्वयंसेवी हैरान रह गए। उधर इस बारे में उपायुक्त राजेश्वर गोयल का कहना है कि प्रशासन लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है, यदि कोई इसका गलत फायदा उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी लोगों से सहयोग की अपील की है। वैश्विक महामारी के प्रकोप के चलते जहां देश में दानी सज्जन दान पुण्य में जुटे हुए हैं, वहीं ग्रामीण स्तर पर भी लोग अपनी अपनी तरह से इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। कहीं लोग बस्तियों तक खाने पीने और जरूरी सामान पहुंचाने में लगे हैं, तो वहीं कई लोग प्रवासी मजदूरों को गोद लेकर उनकी देखभाल का जिम्मा उठा रहे हैं। कांगड़ा जिला के ठाकुरद्वारा में युवा शक्ति ने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे 21 प्रवासी परिवारों को इस महामारी के दौरान गोद लेने का निर्णय लिया है। युवा शक्ति के अध्यक्ष विक्की ने बताया, दुनिया भर में इस बार कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और हमारे गांव में भी लगभग 21 परिवार ठाकुर द्वारा में जो कि प्रवासी हैं उनको भोजन, हम भोजन का प्रबंध कर रहे हैं और जब तक ये चलता रहेगा काम, जब तक कोरोना भारत से भागता नहीं है, तब तक हम युवा पीढ़ी ठाकुर द्वारा की इन लोगों को खाने का प्रबंध हम पूरा करेंगे। वहीं पंचरुखी में रिटायर्ड एवं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष अमर सिंह की अगुवाई में नायब तहसीलदार अब्दुल बशीर के माध्यम से पंचरुखी चौक में 9 प्रवासियों को राशन किट वितरित की। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे शहर व आसपास के गांवों में जरूरतमंद परिवारों को हर रोज समय पर भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ ही दवाइयों का भी प्रबंध किया जाएगा।
वहीं हमीरपुर जिला के बिजनी में सरकार के आदेशों के अनुसार प्रवासी मजदूरों को भी राशन बांटा गया। नायब तहसीलदार महेंद्र जसवाल ने बिजड़ी पंचायत घर में पंचायत प्रतिनिधियों की देखरेख में बाहरी क्षेत्रों से रोजी रोटी कमाने आए मजदूरों को अनाज की किटें भेंट की। इस किट में लगभग 20 किलो के करीब राशन दिया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल के अलावा तेल भी है। हम लोगों को राशन मिल गया ना इधर, ठीक हेल्प हुआ, काम धंधा नहीं था, इससे हम लोगों को काफी मदद मिला है। बिजड़ी पंचायत में आवंटित कर रहे हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं फंसे हुए उनको दिया जा रहा है राशन। अभी अगली पंचायतों में भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसके बाद में प्रशासन का ये उद्देश्य है कि कोई भी जो इलाके में जो है वो भूखा व्यक्ति ना रहे, पर मजदूर जो प्रवासी है जो यहाँ फंसा हुआ है। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान मुश्किल में फंसे प्रवासी कामगारों की मदद को पंचायतों के साथ स्वयं सहायता समूहों ने भी आगे आकर मदद देनी शुरू कर दी है। भुंतर के महावीर स्वयं सहायता समूह हाथीथान ने शहर के 20 प्रवासी व गरीबों को राशन बांटा है। इसके अलावा भुंतर प्रेस क्लब ने त्रेहन रोड में रह रहे करीब 10 परिवारों को राशन वितरण किया। जिला हमीरपुर के जंगल रूपा के गांव मसियाना में हर हर महादेव श्रीखंड सेवा दल के सदस्यों ने प्रवासी मजदूरों को हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर व भाजपा मंडलाध्यक्ष रमेश शर्मा की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां, आटा, चावल, दालें, मसाले, रिफाइंड व नमक आदि वितरित किए। ऐसे हालातों में नगर परिषद सुंदरनगर के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और तमाम पार्षदों ने भी अपना एक एक माह का वेतन जिला रेडक्रॉस सोसाइटी मंडी में देने का निर्णय लिया है। नगर परिषद सुंदरनगर के वाइस चेयरमैन दीपक सेन का कहना है, सभी को नमस्कार, मैं दीपक सेन, उपाध्यक्ष नगर परिषद सुंदरनगर। हमारे प्रदेश में बहुत से प्रवासी बिहार से, यूपी से जो लोग मजदूरी करने यहाँ पर आए हैं, उनके सामने इस समय खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके लिए बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और हम सब प्रधान, उप प्रधान व समस्त पार्षदों ने एक सामूहिक निर्णय लिया है कि हम सब अपना एक महीने का मानदेय जिला रोडक्रॉस सोसाइटी को सहयोग राशि के रूप में देंगे। और मैं सभी अन्य नगर निकायों के प्रधान सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि वो भी कृपया इस तरह का निर्णय लें, जिससे लोगों की आर्थिक मदद हो सके। धन्यवाद। जय जय हिमाचल। संग्राह के तहत गांव धमास में सोमवार रात करीब 10:30 बजे एक घर में अचानक आग लग गई। घटना में 2 कमरे जलकर राख हो गए हैं। अचानक आग लगने के कारण कमरों में रखी खेतों में तैयार मक्की, गेहूं व कृषि औजार जल गए। गनीमत ये रही कि इनके परिवार के कोई भी सदस्य मकान के अंदर नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इनका परिवार साथ में करीब 100 मीटर की दूरी पर सोया हुआ था। जब आग की लपटें उठती पड़ोस के लोगों ने देखी तो वे दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन आग की लपटें इतनी खतरनाक थी कि वे काबू नहीं हो पाई और देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया। कशलोक के समाज सेवी मनोज ठाकुर ने पीड़ित विनोद कुमार को राहत राशि दी। तहसीलदार संग्राह आत्माराम ने बताया कि लुधियाना पटवार वृत्त लुधियाना से पटवारी मौके पर गए थे। आगजनी से 90,000 की संपत्ति नष्ट हुई है। मिनर्वा स्टडी सर्कल घुमारवी व बिलासपुर स्थित संस्थान में जेईई, नीट, एनडीए व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं। तो आइए और अपना भविष्य संवारिए। पिछले 4 सालों में जहां एक और इस संस्थान से कोचिंग प्राप्त कर 50 से ज्यादा बच्चों ने विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है, वहीं 70 से अधिक बच्चों ने विभिन्न आईआईटी व एनआईटी में प्रवेश प्राप्त किया है। बिलासपुर व घुमारवी स्थित संस्थान में क्रैश कोर्स 2020 में जल्दी से जल्दी दाखिला लेकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस कोर्स में सीटें सीमित हैं, जो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरी जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। यह वीडियो जिला हमीरपुर की एक बुजुर्ग महिला का है, जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।
इस वीडियो में जहां महिला कोरोना वायरस क्या है उस पर लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं देश के हालात पर भी चर्चा करते हुए मोदी को अब तक का बढ़िया प्रधानमंत्री बता रही है। वह लोगों से अपील कर रही है कि घर के अंदर रहें। अपनी लोकल पहाड़ी भाषा में इस महिला से किया गया सवाल जवाब लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वहीं यह वृद्ध महिला यह वायरस कहां से आया उस पर भी बता रही है कि यह चीन से आया है और यह बड़ा खराब वायरस है। तमाम बातों को लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और इसका मजा भी ले रहे हैं। तो दादी कोरोना वायरस क्या है? जी बड़ा बड़ा खतरनाक है, दूर दूर रहना। हाँ जी, इससे कैसे बचेंगे? बचेंगे दूर रहे कि नहीं? अच्छा जी, घर अंदर रहना। ये कहाँ से फैला कोरोना वायरस? ओ भाई, ये चीन ने तो फैला बेचारा। कितने अभी तक कितने बंदे जो है वो बीमार हो चुके हैं इस वायरस के? ओ बड़े भारी हो गया, खतर पाई गया, डंका लगी गई। बड़ा बुरा हाल है। अपना नाम नूम गांव सब बताओ आप, पता तो होना पड़ा। मैं घराना रहने वाली, अमीरपुर जिला मारिया जिला कहना तहसील डाउनी देवी। हाँ जी, डाक गर्भ गुआड़ा। हाँ जी, और मोदी को क्या आप संदेश देना चाहते हो? भाई पब्लिक का बच्चा। अच्छा, करा रोटी खुआ हाँ जो भूखे जो। मोदी का क्या सहायता करेगा आपको? ऐसी मोदी सहायता करेगा, रोटी देगा, पैसा देगा, फेरी दूर दूर इतना गड़िया रोकी, जहाज रोकी रे, मोदी सहायता करी करा। ठीक है ठीक है, ठीक है दादी, फिर ठीक है।